नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल गॉड्स इन्फो में आपका फ्रेंड्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं फ्रेंड्स आपका दोस्त आपका होस्ट एक निगम। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ ईशान कार्ड के सिलसिले में। जी हाँ, बहुत सारे देशवासियों ने, यानी कि अगर हमारे भारत देश के देशवासियों के विषय में बात करें तो बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ईशान कार्ड में करवा लिया है, क्योंकि देश के गरीब वर्ग के लोगों के लिए ऐसी कई सारी योजनाएँ शुरू की गई हैं जिन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली किसी भी सुविधा का सीधा लाभ मिल सके। ध्यान रखिएगा, जो हमारी गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार है वो सीधा लाभ जो है लोगों के खातों में देना चाहती है। ई श्रम कार्ड ये योजना अभी ऐसी ही एक है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये स्कीम उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आज जहाँ पर जो लोग असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं ताकि उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिल सके, यानी कि धन से संबंधित तो जो है उनको सहायता मिल सके। अगर हम आपको बता दें कि ई श्रम कार्ड का लाभ उठाने के लिए जो है आप ईट भट्टा मजदूर, निर्माण कार्य में लगे मजदूर, खदान मजदूर, मछुआरे, मंदिर के पुजारी, सफाई कर्मचारी, ब्यूटी पार्लर, पंचर वाले, कुली, चाय वाला, वेल्डिंग वर्कर, प्लम्बर, सेल्समैन, ऑटो ड्राइवर, रिक्शा चालक, सब्जी बेचने वाले, इलेक्ट्रिशियन, गार्ड, हेल्पर, देरी वाले और वार्ड बॉय जैसे मजदूर आवेदन कर सकते हैं। ये इतने लोग जो हैं, जो लोग इस कार्य के अंतर्गत आते हैं वो लोग ये इसका आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस योजना के तहत आपको पीएम सुरक्षा बीमा के तहत 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है, और किसी हादसे के दौरान कामगार की मौत हो जाती है तो सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के रूप में उसके परिवार को 2 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर दिव्यांग हो जाता है तो उसे 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था ई श्रम कार्ड का अपडेट, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।